I'm calling from XYZ company and I would like to say कि आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है, आपको एक कोड डायल करना है, कोड के आगे मैं आपको नंबर दूंगा और आपको उसको एक्टिवेट कर देना है, उसके बाद सारी फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगी, मुफ्त 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 मुफ्त। इस टाइप की कोई कॉल आए, आज आपको एक पैटर्न समझाने वाला हूँ ताकि आप लोग इससे बच सकें। साइबर क्राइम दिन ब दिन नई टेक्निक्स को निकाल के आ रहा है, आपने सोचा भी नहीं होगा इस टाइप के पैटर्न्स डेवलप करते हैं साइबर क्राइम के क्रिमिनल्स, जो इंटरनेट से जुड़े हुए क्रिमिनल्स हैं, वो बहुत इजीली आपको झांसे में आपको डाल देते हैं। क्यों? अवेयरनेस की कमी है। हर वीडियो में मैं आपको एक मैसेज देने की कोशिश करता हूं, अवेयरनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आप सतर्क रहेंगे, आप समझेंगे वीडियोस को ध्यान से, एक दो मिनट की बात है या छह सात मिनट की बात होगी, इससे ज्यादा आपको पैटर्न समझने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे पैटर्न समझाने के लिए 30-40 मिनट की वीडियो नहीं बना रहा, मात्र 10 मिनट के अंदर आपकी ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो अगर इसको ध्यान से आप एंड तक देख ले तो पैटर्न को समझ जाएंगे और अपनी लाइफ में अपने पैसों को बचा सकेंगे। दूसरों को शेयर करके बचाने में मेरा सहयोग करें। हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को बचाने में मेरा सहयोग करें। प्यार सपोर्ट जिन्होंने अभी तक बनाया है, आप लोग भी इस मैसेजेस को ज़रूर देखिए। मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड्स पे बात नहीं करता हूँ, मैं साइबर क्राइम्स के ऊपर भी बात करता हूँ। तो जिस टाइप का नया पैटर्न मार्केट में आता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए समझते हैं नया पैटर्न क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो टेलीकॉम अथॉरिटीज का हेड है, जो इनको सर्कुलेट उनकी रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है, उन्होंने रिसेंटली अपनी एक गाइडलाइन रिवील की है जिसमें बताया कि नया पैटर्न आया है, आपको एक कोड डायल करवाया जाएगा *401# और उसके आगे एक मोबाइल नंबर या कोई एक नंबर डायल करवाया जाएगा एक, जिसमें आपको वो आपकी जितनी कॉल्स होंगी, इनकमिंग कॉल्स होगी, उसको फॉरवर्ड करने की वो एक टेक्निक होगी। डिपार्टमेंट ने यह कहा कि आपको कोई सस्पिशियस कॉल आ सकती है, वो आपको बोलेगा कि मैं कोई आईटी प्रोफेशनल हूँ या मैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपके सामने बैंक का कोई पर्सनल बने, कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय आपके साथ ऐसा लगे बात कर रहा है, कोई बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, यानी बातों में वो ऐसा उलझाएगा आपको कि आप वो काम कर देंगे क्योंकि आप सतर्क नहीं है, आपको ऐसी सस्पिशियस कॉल्स को समझने की जानकारी नहीं है। आपको बहुत इजीली समझना पड़ेगा कि जब कॉल्स आती हैं अननोन नंबर से, वो आपकी वेरिफिकेशन के टाइम आपसे पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेगा। ये बैंक्स ने खुद तक कहा हुआ है, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स या दूसरे ऐसे ऑपरेटर्स ने भी आपको समझाया हुआ है, बट स्टिल हम पैनिक कंडीशन में रहते हैं ऐसी चीजों में। हम कहते हैं चलो भाई कर दो, सामने वाले ने बोला ओटीपी शेयर करना कर दो, सामने वाले ने बोला हमें ये डायल करना कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें पैटर्न समझना होगा तभी हम अवेयर हो पाएंगे। तो इसमें क्या पैटर्न है, वो आपको बातों में जो उलझाता है वो आपसे कोशिश करता है आपकी फोन की पूरी जानकारी को लेना। तो यहां पे जब वो आपसे डायल करवाता है *401# और आगे कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डायल करवाता है, इससे क्या होता है, आपके फोन की जो कॉल्स हैं, जो इनकमिंग कॉल्स हैं या आप कॉल मिला रहे हैं, वो ट्रैकेबल हो जाती है, वो सारी की सारी ट्रैक होती हैं उस पर्टिकुलर नंबर पे जो आपने *401# के बाद डाला था। इससे क्या होगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, कोई कोड होगा, कोई ओटीपी होगा या कोई इनकमिंग कॉल आ रही होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपकी डिटेल्स उसमें जानी होगी, वो सब ट्रैक करते हैं और कोई भी कॉल को वो प्रॉपरली सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके कोड्स, आपके मैसेजेस को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी फोन की ट्रैकिंग ऑब्जर्वेशंस चलेंगी। मान लीजिए कोई एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, उनको पता लग जाएगा। अचानक से आपको कोई फ्रॉड कॉल आएगी और वो आपको कहेगा कि ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना कि ये होने वाला है, ये स्कीम आई है, आपको उलझा देगा बातों में, क्योंकि उसको पता है आपके बैंक अकाउंट में अभी 1 करोड़ रुपए पड़ा है। आपका ध्यान 1 करोड़ की तरफ शायद नहीं होगा, आपका ध्यान उसकी बातों में चल रहा होगा, वो आपको कन्विंस कर लेगा
और इसी तरीके से वो आपसे या तो ओटीपी ले लेगा या किसी तरीके से क्लोन बना लेगा आपका ऐप का, हो सकता है वो आपके बैंक अकाउंट का क्लोन बना ले, आपकी डिटेल्स का कुछ क्लोन बना ले और वो ट्रांजेक्शन कर दे। बातों बातों में ही ट्रांजेक्शन हो जाती है, अब तो बिना ओटीपी के ट्रांजेक्शन हो रही है। साइबर क्रिमिनल्स इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए, और वो एक्सपर्ट क्यों हुए, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ऐसे लोग जाके हैकिंग में ये आपके साथ करने लगे हैं। वो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में या तो उन लोगों को भी कन्विंस कर लिया जाता है, या कुछ लोग खुद से अपने एटीट्यूड से उनके साथ मिल जाते हैं। तो आपको उनका पैटर्न समझना होगा, जब ऐसे कोई सस्पिशियस कॉल्स आपके पास आती हैं तो आपको एंटरटेन नहीं करना। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आपको माइंड में क्या रखना है कि मेरे को मान लो कॉल चल रही है और मुझे डाउट हुआ कि जी ये मुझे फ्रॉड कॉल लग रही है, उसी टाइम या तो आप उसको किसी कॉल पे रख के आसपास कोई आपके है तो उसे इतला कर दो कि यार तू इस बैंक फलाना ढिमकाना से मुझे कॉल आई हुई है, वहां पे करके पूछ कि ऐसा कोई पर्सन वहां पे है, सामने वाले से कॉल वाले से उसकी एम्प्लॉय आईडी मांग लो, उसकी वेरिफिकेशन या तो साथ साथ कर लो, या उसे बोलो कि अभी मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूं थोड़ी देर में बात करूंगा। तो या बैंक से या किसी अथॉरिटी से जिससे वो कॉल आया था, वहां पे कस्टमर केयर पे कॉल मिला के या वहां से कोई नंबर गूगल करके या किसी तरीके से सर्च इंजन से निकाल के आप लोग वहां कॉल करके कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी कॉल मेरे पास आई थी। ऐसी कोई दिक्कत अगर आपको फील होती है तो आपके फोन में फॉरवर्डिंग कॉल्स की सेटिंग्स होती हैं। जैसे मान लो दो सिम है आपके फोन में, तो सिम वन पे आप सिम टू के फॉरवर्डिंग लगा सकते हो। अगर इनकमिंग कॉल आपके पास आ रही है सिम वन पे, तो वो सिम टू पे ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे ही ऑल्टरनेट सिम टू की सिम वन पे ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरीके से वो लोग फॉरवर्डिंग कॉल का खेल खेलते हैं, आपकी कॉल्स उनके पास जा सकती हैं, आपकी डिटेल्स उनके पास जब रिटर्न में होंगी तो वो आपकी तरफ खेल खेल सकते हैं, क्योंकि सामने वाला जो कॉल मिला रहा है, मान लो बैंक से कोई कॉल मिला रहा है, उसको आपकी आवाज की पहचान नहीं है। उसके पास एक डेटा आता है जिसमें आपका नाम नंबर कुछ डिटेल्स होती हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉल की जाती है। अगर आपकी कॉल उनके पास फॉरवर्ड हुई या आपके पास रही और उन्होंने उसको सुना, दोनों चीज में आपके साथ खतरा है। तो आपको अगर कोई ऐसा कोड डायल करवा रहा है तो नहीं करना, पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी है। सामने वाला जिसका भी कॉल आया है आपके पास, जो आपको आईटी प्रोफेशनल या आपको बैंक से बता रहा है या कोई मिनिस्ट्री से बता रहा है, कोई भी पर्सन आपको इन्फॉर्म ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कर रहा है कि *401 डायल करें या कोई और कोड डायल करें, तो उस कंडीशन में बोलना है पहले मैं वेरिफिकेशन करूंगा उसके बाद ही करूंगा। आपको कॉल कट कर देना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपनी जानकारी को लीजिए उसके बाद ही ये काम कीजिए। और अगर फिर भी आपको डाउट रहता है कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे, टाइम टू टाइम ना अपने फोन डेटा को बैकअप में जरूर रखिएगा। इससे होगा क्या, अगर आपका डेटा पूरा बैकअप है, आपकी फोटोज या आपका सब कुछ गूगल ड्राइव या समथिंग कुछ भी डेटा में बैकअप में है आपके पास, फोन को फैक्ट्री डेटा रीसेट मार दो, फोन को फॉर्मेट कर दो। आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, डेटा को बैकअप में रखो, फोन को फॉर्मेट कर दो, सबसे सेफ स्टेप। उसके बाद भी अपनी सारी सेटिंग्स को फोन को चेंज चेक करो कि उसकी फॉरवर्ड सेटिंग, उसकी दूसरी सेटिंग्स में कोई और नंबर तो डायल नहीं हुआ पड़ा। तो उसके बाद आप नई एप्स फिर से इंस्टॉल वगैरह सब कुछ करो, पूरा प्रॉपरली चेक कर लो। नहीं समझ में आ रहा, मार्केट में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट करा लो। इससे क्या होगा, आपका फोन एकदम प्रॉपरली रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये तब कंडीशन बता लो जब खुद से नहीं कर पा रहे। कुछ लोग आजकल नॉलेजेबल हो चुके हैं तो वो कर लेते हैं, सभी नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं वो सिचुएशंस बता रहा हूँ। माइंड में आपको सिर्फ इतना रखना है, ऐसी कोई कॉल सस्पिशियस आती है, कोई भी कोड डायल नहीं करना, उनकी ऐसी बातों को नहीं मानना। अगर कोई डाउट होता है बैंक से वेरीफाई कर लो, अथॉरिटी से वेरीफाई कर लो, डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर लो जहां से वो कॉल आने का अंदेशा आपको मिल रहा है। आई होप आप ये पैटर्न को इजीली समझे होंगे, मैंने आपकी मदद की होगी, और अब आप मेरी मदद कीजिए और अपने यार दोस्तों को फैमिली सर्कल की मदद कीजिए, उनको ये वीडियो शेयर करके कि ऐसी कोई कॉल आए तो उससे बचा जाए, उससे उसको अवॉइड किया जाए। वो लोग भी ऐसी कोई कोड डायलिंग ना करें, वो लोग ऐसे फॉरवर्ड ना करवाएं अपने सिस्टम को, नहीं तो उनके साथ कोई हैकिंग हो सकती है, उनके ऐप्स का क्लोन बनाया जा सकता है, और हो सकता है
उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उनको कॉपी करके वहां पे कुछ कॉल्स जाएं उनके नाम से। ऐसे बड़े सारे आपके साथ हाथ से साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।